नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति। जमीन की रजिस्ट्री से डेढ़ गुना तक अधिक बढ़ी सरकार की आमदनी। बिहार की सेवा के लिए मिले 33 डीएसपी। वित्त आयोग ने 1870 करोड़ विकास के लिए किया जारी। भारतीय महिला टीम ने अंडर विश्व कप के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को रौंदा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति। आज के दिन पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। हालांकि बीते दिन यानी कि 14 जनवरी को भी देश के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों के द्वारा मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 जनवरी की रात 3:01 से मकर संक्रांति लग गई थी, जो कि 15 जनवरी की दोपहर 2:27 तक रहे। ज्योतिषियों के अनुसार उदया तिथि होने से रविवार यानी कि आज मकर संक्रांति का पुण्य काल दिन भर माना गया है। मकर संक्रांति के दिन कई लोगों ने गंगा में स्नान किया और साथ ही तिल और तिल से बनी चीजों का दान पुण्य भी किया। पटना में सोमवार से फिर खुल जाएंगी सभी स्कूलें। ठंड और शीत लहर में कमी को देखते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा आदेश जारी कर 16 जनवरी यानी सोमवार से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने को कहा गया है। हालांकि सभी स्कूलों का संचालन सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 3:00 तक किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठंड की वजह से लगभग 1 माह से पटना के सभी स्कूलों को बंद किया गया था। जमीन की रजिस्ट्री से डेढ़ गुना तक अधिक बढ़ी सरकार की आमदनी। छोटे निबंधन कार्यालय के योगदान से बिहार मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा दिसंबर 2022 तक वर्ष 4761.65 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति की जा चुकी है। वहीं विभाग के अधिकारियों के द्वारा यह उम्मीद जताई जा रही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अगले 3 महीने में राजस्व का आंकड़ा 6000 करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारण, सहरसा, समस्तीपुर, हाजीपुर, दरभंगा समेत कई ऐसे छोटे निबंधन कार्यालय हैं जिनके द्वारा 50 करोड़ से अधिक राजस्व लक्ष्य हासिल किया गया है। सीतामढ़ी में 9 दिनों से बाघ का आतंक। बिहार के सीतामढ़ी में 9 दिनों से बाघ ने लोगों के बीच अपना आतंक फैला कर रखा है। बता दें कि डुमरा प्रखंड के पुनौड़ा में बाघ के द्वारा 2 जंगली सुअरों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया है। हालांकि सूचना मिलने के बाद समय पर पहुंची पुलिस ने इस घटना के बारे में वन विभाग की टीम को सूचना दे दी। जानकारी पर पहुंची वन विभाग की टीम ने यहां से बाघों के पलायन होने की बात कही। इसके साथ ही राजधानी पटना से भी फॉरेस्ट विभाग की 5 टीमों को बाघ को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया है। फिलहाल अभी टीमों के द्वारा लगातार बाघ को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के मंदार महोत्सव में आज दिखेगा चमत्कार का खेल। अगले 3 दिनों तक चलने वाले मंदार महोत्सव में आज यानी रविवार को कुश्ती, कबड्डी के साथ साथ अंधविश्वास और चमत्कार का भी खेल लोगों को दिखाया जाएगा। वहीं अगर बीते दिन यानी कि शनिवार की बात करें तो शनिवार को मंदार महोत्सव के मंच से सारे गामा फेम, राजा हसन सहित अन्य गायकों ने अपने आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान शराबबंदी पर फेमस गीत जीना है तो पापा शराब मत पीना गाकर लोगों को शराबबंदी का संदेश भी दिया गया। वित्त आयोग ने 1870 करोड़ विकास के लिए किया जारी। केंद्र की तरफ से 15वें वित्त आयोग से अब तक 766 करोड़ रुपए नगर निकायों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1893 करोड़ की राशि देने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग के अलावा सष्टम राज्य वित्त आयोग के स्तर से भी 1104 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस तरह दोनों मद यानी 15वें वित्त आयोग और सष्टम राज्य वित्त आयोग के राशि को जोड़कर नगर निकायों के खातों में कुल 1870 करोड़ रुपए मौजूद है। कैमूर के लाल ससांग का बिहार क्रिकेट में जलवा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आनंद प्रकाश के द्वारा खिलाड़ियों की घोषित सूची में 3रे नंबर पर कैमूर के रामगढ़ से आने वाले शशांक को सीके नायडू ट्रॉफी के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में बिहार की टीम में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी 15 जनवरी को शशांक उपाध्याय पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में चंडीगढ़ टीम के खिलाफ विकेट के पीछे नजर आएंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब शशांक को पर्याय बिहार टीम में अपना जलवा बिखेरते देखा जा सकता है। इससे पहले भी उन्हें वर्ष 2019 में अंडर 19 वीनू माकंड ट्रॉफी में भी बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में चयन किया जा चुका है। वाल्मीकि नगर में यूपी बिहार नेपाल सीमा पर गंडक नदी के किनारे मिला दुर्लभ कछुआ। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बघा वन क्षेत्र के पिपरासी प्रखंड अंतर्गत पिपरासी गांव के समीप नदी के किनारे मछुआरों के द्वारा एक विशाल काय काला दुर्लभ कछुआ पकड़ा गया है, जिसके बाद मछुआरों ने इस बात की सूचना पर पिपरासी थाना को दी। मौके पर पहुंचे पिपरासी थाना
जहां पुलिस के द्वारा इस बात की जानकारी बघा वन क्षेत्र को दी गई, जिसके बाद उस विशालकाय काले कछुआ को जब्त कर वन क्षेत्र कार्यालय लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार कछुआ का वजन करीब 30 किलो का है और इसका रंग काला है। हालांकि बगैर देरी किए बिना लापरवाही बरते हुए वन विभाग की ओर से तत्काल इस दुर्लभ व विशालकाय कछुआ को नदी में वापस छोड़ दिया गया। बिहार की सेवा के लिए मिले 33 डीएसपी। बीते दिन शनिवार को बिहार पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे 64वीं बैच के ट्रेनी पुलिस उपाधीक्षकों की पारण परेड समारोह समाप्त हुई और इसी के साथ बिहार की सेवा के लिए 33 नए डीएसपी तथा एक जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी मिल गया। इन 34 पदाधिकारियों में से 14 महिला एवं 20 पुरुष पदाधिकारी शामिल है। इस कार्यक्रम के दौरान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा नियमों में रहकर कानून का पालन करने की सलाह दी गई। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु की उपाधि महिला प्रशिक्षु अवंतिका दिलीप कुमार को दी गई। डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव का ऐलान। डॉक्टरों पर कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव का ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह विभिन्न संस्थानों में 5 वर्षों से अधिक अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित 81 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है, ऐसे ही बाकी बचे सैकड़ों डॉक्टरों पर भी कार्रवाई जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 81 डॉक्टरों को कैबिनेट की बैठक में बर्खास्त किया गया था। वहीं कैबिनेट के निर्णय के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्तव्य में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में रिंग रोड के बगल में बनेगा नया बस स्टैंड। पटना से पश्चिम व दक्षिण जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए बीटा अंचल के कन्हौली में बनने वाले नए बस स्टैंड की जगह बदलकर पटना रिंग रोड के बगल में कर दी गई है। यानी कि अब इस नए बस स्टैंड का निर्माण पटना रिंग रोड के बगल में करवाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए बस स्टैंड के निर्माण को लेकर 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया की कार्रवाई समिति से अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी। मालूम हो कि इस बस स्टैंड के निर्माण से 20 जिलों के लोगों को राहत मिलेगी। बीजेपी के राजीव रंजन ने ली जदयू की सदस्यता। बिहार बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव रंजन आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की मौजूदगी में जेडीयू में शामिल हो गए। बता दें कि इसके लिए जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया। दरअसल पिछले दिनों छपरा में जहरीली शराब से मौत मामले में बीजेपी की ओर से मुआवजा की मांग की जा रही थी, जिसका विरोध राजीव रंजन के द्वारा किया गया था, जिसके बाद पार्टी के अंदर राजीव रंजन के लिए विरोध शुरू हो गया और उन्हें हटाने की मांग की जाने लगी, जिसके बाद अंत में राजीव रंजन को इस्तीफा देना पड़ा। आरसीपी सिंह ने शिक्षा मंत्री को दिया सलाह। जनता दल यूनाइटेड से बागी हुए आरसीपी सिंह ने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस के ऊपर दिए विवादित बयान को लेकर उन्हें सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का भारत में एक स्थान है जिस पर लोगों की आस्था है और शिक्षा मंत्री लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों को भटकाइए मत, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, तो आपका दायित्व है कि आप इस पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर बयान देने से अच्छा है कि आप छात्रों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटा देना चाहिए। भारतीय महिला टीम ने अंडर विश्व कप के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को रौंदा। अंडर 19 महिला विश्व कप में भारतीय टीम की ओर से अपना पहला मैच खेलते हुए मेजबान साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से धूल चटा दिया। बता दें कि भारतीय टीम को ग्रुप डी में रखा गया है। इस ग्रुप में भारतीय टीम के अलावा साउथ अफ्रीका, यूएई और स्कॉटलैंड शामिल है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 166 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम की ओर से 21 गेंद रहते हुए 166 के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। अब अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में भारत का अगला मुकाबला 16 जनवरी को UAE के साथ होना है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है
नुसरत बनो, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, प्रिंस कुमार पीयूष, कुश कुमार यादव, उमेश ऋषिदेव, मुटू रंगीला, अखिलेश यादव, रविशंकर, जनार्दन पासवान, भान प्रकाश मौर्य, कमलेश शर्मा। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौजूद अस्पताल में डॉक्टरों की उपस्थिति प्रतिशत कितनी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।